अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत आफियत से होंगे। हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं सबलाइन को ओपन करते हैं और हमने काम करना है आज अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर के रजिस्ट्रेशन के अंदर हम काम करेंगे कैसे बनानी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने काम किया था गैलरी के अंदर, होम के अंदर। गैलरी को भी अपने पास ओपन कर लेते हैं और इसी तरह ये होम को, ये गैलरी किसी भी चीज़ को हमने यहाँ पे ओपन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी ऑप्शंस नहीं आता है। हमने करना क्या है, ये सारा होम को यहाँ से कॉपी करना है और इसके अंदर पेस्ट करके सेव कर लेना है। और सिर्फ हमें चेंज क्या करनी है, इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है। और वो चेंज क्या है, इसके बिल्कुल सेंटर वाला, जैसे ये वाला कंटेंट एरिया, ये कंटेंट एरिया के अंदर हमने काम करना है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया। ये हमारा होम का था, होम के बाद ये हमारी गैलरी है, ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन। मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में हमने काम करना है। अपना टाइम जाए कि अपना हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक H1 का टैग। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाते हैं हम। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिजन है, सेंटर है, मैं इसको वी एलिजन लगा देता हूँ और इसको ले जाता हूँ सीधा टॉप पे। जैसे मैं इसको टॉप पे लेके जाने की कोशिश करूँगा और ये कहाँ चले जाएगा, बिल्कुल टॉप पे चले जाएगा, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। फिर मैं H1 के टैग के अंदर आके एलिजन लगाऊंगा और सेंटर लगाऊंगा और फिर इसको सेव करते हैं और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब H1 के बाद मैंने करना क्या है, यहाँ पे एक टाइप शुरू करना है, वो है इसका टेबल का। टेबल के अंदर TR हम ओपन करते हैं, आपको पता है। फिर हम इसके अंदर TD ओपन करते हैं। जैसे हम TR ओपन करने के बाद TD ओपन करते हैं, ठीक है, फिर इसी से आगे हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी खूबसूरती हम बना लें ताकि काम करने में हमें आसानी हो। अब ये TR है। अब पहले, सबसे पहले मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं बॉर्डर कलर देता हूँ और मैं इसको बॉर्डर कलर कौन सा देता हूँ, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉर्डर आ गया, बॉर्डर कलर आ चुका है और ठीक है, ये रेड नहीं आया क्योंकि ये हमारा बॉर्डर कलर आ चुका है। ये बॉर्डर 1 है और इसकी हम क्या करते हैं, अब हमें इसकी विथ को कंट्रोल करना है। इसकी विथ कितनी कर लेते हैं हम, टोटल हमारे ऊपर हम देखते हैं हमारे पास विथ कितनी। ये 2 हमने विथ रखी 990, इसमें से 200 ये हो गया, 200 वो हो गया, ये 590 के करीब आई थिंक इसकी होगी विर्थ। लेकिन हम 590 नहीं करते, हम ऐसे कर लेते हैं इसकी 300 इसकी विर्थ ले लेते हैं, ठीक है। इसकी 300 विर्थ लेने के बाद यहाँ पे आके हम इसको, ये देखिए, ये इसकी विर्थ आ गई है। अब मैंने करना क्या है, हम इसका एलिजन बिल्कुल कर लेना है, वो करना है बिल्कुल सेंटर। जैसे हम इसके एलिजन को सेंटर में करेंगे तो ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और हमने ऐड करनी है, वो इसकी हाइट को, इसके इसमें हाइट दे देते हैं 200%। अगर मैं इसकी हाइट देता हूँ और ये देखिए इसकी हाइट आ गई, लेकिन अभी हमें इसकी हाइट की ज़रूरत है भी नहीं। हम ऐसा करते हैं इसकी हाइट नहीं देते, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमने आके TD के अंदर हमने आके काम करना है, ये TR है। इससे पहले हम एक और टैग यूज़ कर लेते हैं और वो टैग कौन सा है, वो है फॉर्म का टैग। ये हमने TD के टेबल के अंदर करना है, टेबल से आउट नहीं करना है। यहाँ पे एक टैग लगा देते हैं और यहाँ पे एक टैग बंद कर देते, ठीक है। अब हमने ये टैग लगा लिया। अब TD है, TD के अंदर मैं क्या कहता हूँ, इसमें 2 TD को यहाँ से इसी को कॉपी करते हैं। पहले हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते, इसकी मैं विड्थ लगाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 150 विड्थ,
और फिर इसकी हम विड्थ 150 नहीं, इसकी हम ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम ज़्यादा कर लेते हैं, 450 तक कर लेते हैं, और इसकी विड्थ हम 300 कर लेते हैं, ठीक है। फिर आके देखते हैं कि क्या तब्दीली है, ठीक है। ये हमारे पास दो बन चुके हैं टीडी। इसके अंदर मैं कोई भी कह देता हूँ, इसमें कहता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक है। स्टूडेंट हमने भी बिल्कुल इसी तरह काम करना है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती, वो होता है इसका इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ। अब इनपुट के अंदर टाइप्स हैं, इसके अंदर मैं कोई भी चीज़, सॉरी ये वाली हमने इनपुट यहाँ नहीं देनी थी, हमने ये इनपुट देनी थी यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, टाइप देता हूँ, कोई भी नेम दे देता हूँ, इसमें एक प्लेस होल्डर के नाम से देंगे और इसमें लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर आके देखते हैं इसमें, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन, और ये वाला हमने इनपुट किया है बिल्कुल यहाँ से प्लेस कर देना, हमें यहाँ पे इनपुट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अब हमें इसकी क्या करते हैं, इनपुट के अंदर हम इसकी ना थोड़े से साइज को बड़ा कर लेते हैं, और साइज को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब हमने इसमें करना क्या, इसके अंदर हमने इसके साइज दे देना, ठीक है। साइज मैं देता हूँ इसका 30 का, जैसे साइज देते हैं फिर यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें साइज इसका थोड़ा सा बढ़ गया, 30 की बजाय मैं इसको 35 तक लेके जाता हूँ, ठीक है। फिर आके यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा कम है, हम इसको 40 तक ले जाते हैं इसके साइज को, और सेव करते हैं। ये देखिए ये इसका साइज बिल्कुल आ गया। अब हमें करना है क्या, बिल्कुल इसी TR को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉपी करना है, और इसी टेबल के अंदर रहते हुए टेबल से आउट नहीं होना, इसको पेस्ट करते हैं। फर्स्ट नेम की जगह पे हम लगा देंगे सेकंड नेम, ठीक है। इसी तरह प्लेस होल्डर नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे मैं कर दूंगा सेकंड नेम, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड नेम आ गया। सेकंड नेम के बाद फिर हम इसी को TR को हमने कॉपी किया हुआ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसका ईमेल, ठीक है, ईमेल। और इनपुट टाइप क्या देता हूँ, मैं ईमेल ही देता हूँ, ठीक है। और ये प्लेस होल्डर नेम इसमें देने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, तो सेव करते हैं, और फिर आके इसमें देखते हैं क्या चेंजिंग आई है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट हमने भी इसी तरह काम करना, ये देखिए अब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें एक और ऐड करना है, वो क्या है इसका, वो है जी इसका पासवर्ड। अब हम इसमें लिखेंगे इसका पासवर्ड, ठीक है, और इनपुट टाइप भी इसकी पासवर्ड लेंगे। अच्छा ये आपको यहाँ पे आके समझ आएगी कि ये हमने टाइप इसमें क्यों दे रहे हैं। अच्छा अब ये वाली जो टाइप है ना, यहाँ पे हम नाम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। ये वाला भी टेक्स्ट में देंगे हम, और ये जीमेल में आ गया, ये पासवर्ड में आ गया। पासवर्ड का देखना क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके ये देखें, यहाँ पे तो नाम वगैरह हम लिखे जा रहे हैं यहाँ भी, ठीक है, यहाँ मेल वगैरह, और यहाँ पे देखना जैसे पासवर्ड लिखेंगे तो ये हेडर में होगा। इसी तरह हमने इसको कॉपी किया हुआ, ठीक है, ये पासवर्ड को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर लेंगे हम कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड का ही ऑप्शन रहेगा हमारे पास, इसको मैं आके यहाँ पे सेव करता हूँ। ये हमारे पास चीज़ें इसकी, ये कन्फर्म पासवर्ड की हमारे पास लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कोई मसला नहीं है, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहे, साइज यहाँ पे इसकी विड्थ को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा आगे इसको लेके चले जाते हैं। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ इसको पेश करके, यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसकी हॉबीज के बारे में, नहीं हम यहाँ पे पहले जेंडर देंगे,
फिर जेंडर के बारे में इनपुट टाइप है, ये साइज है। अब इसमें मैं एक वैल्यू दूंगा और वैल्यू इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा जेंडर, ठीक है। इसकी मैं वैल्यू दूंगा वो होगा इसका मेल, मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैं मेल, ठीक है। इसको फिर यही वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और मेल की जगह यहाँ पे आ जाएगा फीमेल और यहाँ भी आ जाएगा फीमेल, लेकिन ये जेंडर ही रहेगा। ये पासवर्ड टाइप जो है ना, ये यहाँ से हम मूव कर देते हैं, क्योंकि अभी ये पासवर्ड की टाइप नहीं है, ये टेक्स्ट की टाइप में आप लेके आ सकते हैं, बल्कि सॉरी ये टेक्स्ट की नहीं होगा, इसकी टाइप होगी रेडियो के अंदर हम इसकी टाइप देंगे, ठीक है। ये देखिए हम इसकी टाइप रेडियो देते हैं और फिर आके यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा फीमेल थोड़ा सा इसमें से आउट हो चुका है, वो आउट किस वजह से हुआ अभी देखते हैं कि ये वाला हमारा टीडी में क्या मसला हुआ। ये वाला हमने यहाँ से टीडी को कॉपी कर लिया था, ये वाला टीडी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये जस्ट हमें इनपुट चाहिए। ये इस तरह हम इसको रखेंगे सामने सामने, ठीक है स्टूडेंट। हमें बिल्कुल इसी तरह इसमें काम करना है। ये देखें ये अब मेल या फीमेल दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, दो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके वैल्यू के दिए रेडियो। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।